नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है प्रजापति स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, जो हमारा परसेंटेज का वीडियो चल रहा है और उस परसेंटेज के वीडियो के हमने कल क्वेश्चन डिस्कस किए थे 10 क्वेश्चन, और आज इस सीरीज को हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। कल की वीडियो में थोड़ा साउंड प्रॉब्लम हो गया था, आशा करता हूँ कि आज की वीडियो में नहीं होगा और आगे से ठीक चलेगा। तो आज के की वीडियो में हम क्लास जो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं वो करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से, ठीक है। तो देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, कल हमने आपको बताया था कि कोई संख्या इतने प्रतिशत खुद में बढ़ा दी जाए, खुद में घटा दी जाए, या किसी भी तरह से क्वेश्चन हमने किए थे। आज की जो वीडियो का पहला क्वेश्चन देखिए, यदि किसी वस्तु की कीमत में पहले 20% की वृद्धि की जा रही है, पहले 20% की वृद्धि की जा रही है और फिर 30% की कमी की जा रही है। ध्यान से समझना मेरी बात को कि कोई वस्तु है, पहले उसकी कीमत में 20% की वृद्धि हो रही है, उसके बाद उसकी कीमत में 30% की कमी हो रही है। तो उसने कहा है क्वेश्चन में कि कुल उसके अंदर क्या होगा। तो देखिए, क्वेश्चन में यदि आपको कभी भी पहले कमी फिर वृद्धि ऐसा कुछ दिया हो तो आपको ये फॉर्मूला लगाना, ये मैं आपको बता रहा हूँ, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपोन में 100। इस क्वेश्चन इस फॉर्मूले को नोट कर लीजिएगा आप। इसका मतलब क्या होता है कि पहले वृद्धि हुई है फिर वृद्धि हुई है, उसका चिन्ह है। प्लस माइनस आप कैसे डिसाइड करोगे, इसका मतलब है इंक्रीजिंग हुआ है, इस प्लस का मतलब है इंक्रीजिंग, हो सकता है यहां पर माइनस हो, माइनस का मतलब यहां पर हो जाएगा डिक्रीजन, यहां पर भी माइनस हो सकता है उसका मतलब भी डिक्रीजन होगा। और ये प्लस माइनस का चिन्ह कैसे डिपेंड करेगा, जैसे मैंने कहा आपसे कि 20% बढ़ाया इसका मतलब मैंने इसके आगे प्लस लिया, और मैंने कहा कि 30% घटाया तो मैंने माइनस, तो ऑल ओवर यहां पर माइनस आएगा। तो ये चीजें आपको थोड़ी सी समझनी है और ये फॉर्मूला है जो आपको लिख लेना है। आई थिंक आपने लिख लिया होगा, नहीं लिखा है तो मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपोन में 100। तो इतना आपको देखना है। अब देखिए, पहले 20% की वृद्धि यानी कि प्लस के 20 माइनस के 30 प्लस में, देखिए अब प्लस यहां पर मैंने लगा दिया, कोई बात नहीं, अलग से देखो 20% की वृद्धि हुई है इनटू में माइनस 30% की कमी हुई है अपॉन में 100। अब देखो 20 में से 30 गया तो कितना चला जाएगा, माइनस 10, उसके बाद यहां पर कितना जाएगा, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल और ये -6, यानी कि ये कितना हो जाएगा, -16%। -16% का मतलब हुआ कि 16% की क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो देखिए दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। देखिए, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन को हम एक मेथड से और कर सकते हैं, वो क्या है। देखिए, मैंने कहा कि 20% बढ़ाया और 30% कम किया। देखिए, 20% बढ़ाया मतलब 120, 30% घटाया मतलब 70, और डिवाइडेड में मैं कर दूंगा यहां पर 100, ठीक है। एक 0 से 1 0 कैंसिल, ये 0 से 0 कैंसिल, 12 7 यहां पर आ जाएगा मेरा 84, 84। इसका मतलब क्या हुआ, पहले हमारे पास 100 था और अब ये है 84, इसका मतलब कितना की कमी हुई है, तो यहां पर हुई है 16% की। तो इसको करने के यहां पर आपके पास दो मेथड है, चाहे तो आप इस फॉर्मूले का यूज कीजिए, अदरवाइज आप इस मेथड से भी यूज कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए आगे क्या है हमारे पास, कि एक वस्तु में पहले 30% की वृद्धि होती है, उसके बाद नेक्स्ट फिर 40% की वृद्धि होती है। तो कुछ समझदार लोग लिखेंगे कि इसमें ऑल ओवर 30 और 40 70% की वृद्धि हो जाएगी, लेकिन दोस्त ये गलत बात है, ठीक है। आपको इसी मेथड से करना है, चाहे आप इस मेथड से कर सकते हैं, ये मेथड आपको और भी इजी रहेगा, ठीक है। देखिए, यहां पर 30% की वृद्धि हुई, मतलब इस मेथड से करो एक बार, 30% की वृद्धि हुई, फिर से 40% की वृद्धि हुई, प्लस 30 × 40। यदि दोनों बार वृद्धि हो रही है तो आपको प्लस माइनस की कोई भी नीड नहीं है, सारी चीजें प्लस में आएंगी। देखो यहां 0 से 0 ये कैंसिल, 30 और 40 70% प्लस में, देखे 3 चौका 12, ठीक है, सॉरी यहां पर 12, तो टोटल कितना आ जाएगा हमारे पास, 82%। कितना आ जाएगा, यानी कि 82% की यहां पर वृद्धि हो रही है, ठीक है। तो चीजें समझ में आ रही होंगी, यदि आपने नोट नहीं किया है तो इसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है।
तो देखिए एक व्रत की त्रिज्या है उसमें पहले 50% की सॉरी व्रत की त्रिज्या में 50% की कमी की जा रही है तो उसके क्षेत्रफल पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, यानी कि एरिया पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखिए मैंने कहा क्षेत्र जो क्षेत्रफल होगा था वो क्या होता है आर स्क्वायर की टर्म में होता है कि नहीं होता, यानी कि 50% आप पहले घटा रहे हो तो 100 से घटकर कितना आ जाएगा 50, देन उसके बाद फिर से आपको 50 लिख देना है और डिवाइडेड में कर देना है 100, यानी ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा मेरे पास ये 25। 25 का मतलब क्या हुआ कि पहले मेरे पास वो चीज 100 थी और अब 25 आ गई, इसका मतलब 75% की यहां पर कमी आ जाएगी। जो भी आपका ऑप्शन है वो आप यहां से देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, 14 नंबर क्वेश्चन में आपसे बोला है कि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से, देखिए यहां पर आपको तीन संख्याएं दी हुई है, ये तीन संख्याएं उसने कहा है कि दो संख्या यानी कि पहली और दूसरी किसी तीसरी संख्या से क्रमशः कितनी है 20% और सॉरी यहां पर लिख देता हूं मैं 20% और 50% अधिक है। उसने कहा है कि पहली दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% अधिक है, तो उसने क्वेश्चन में क्या बोला है आपसे, तो पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत होगी। मैंने माना कि तीसरी संख्या 100 है, ध्यान से समझना, मैंने माना कि तीसरी संख्या 100 है तो पहली संख्या उससे 20% अधिक, इसका मतलब 100 से जब 20% अधिक होगा तो कितना हो जाएगा 120। समझ में आ रही चीज है, 100 से 50% अधिक होगा तो कितना हो जाएगा 150, ठीक है। उसने क्या बोला है आपसे, उसने बोला है तो पहली संख्या दूसरी संख्या की कितनी है, यानी कि 120 150 का कितना प्रतिशत है। देखो ये मैंने लिखा 120, यहां पर लिख देता हूं मैं, ये मैंने लिखा 120, नीचे लिखूंगा मैं 150 और इसका निकाल देना है मुझे प्रतिशत, ये जीरो से जीरो कैंसिल और ये आप काट सकते हैं 3 चौका 12 3 5 15 और ये 20 चौका 100 और 20 चौका 80 प्रतिशत, 80 प्रतिशत आ जाएगा आपका। कोई भी आप अपना आंसर है ऑप्शन है जो भी आपके आपका आंसर आपको दिख रहा है वो ऑप्शन आप चूज कर लीजिएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो चलिए एक सेम टाइप का एक और क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं। देखिए क्वेश्चन अगला के क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है, अगले क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है कि दो संख्याएं हैं जो पहले अभी अभी हमसे बोला था, ये पहली ये दूसरी और ये तीसरी, मेरे पास अभी अभी हमसे बोला था कि 20 ज्यादा है और 50 ज्यादा है, लेकिन अब अगले क्वेश्चन में पढ़ो कि उसमें बोला है कम है। तो देखो मैंने तीसरी संख्या को 100 मान लिया, ये 20% कम होगी, इसका मतलब ये होगी 80। उसने बोला ये 50% कम है तो ये होगी 50। समझ में आ रही है चीजें। तो उसने आगे क्या बोला है हमसे कि जो ये पहली संख्या है वो दूसरी संख्या की कितनी होगी, ये है पहली संख्या और डिवाइडेड में है दूसरी संख्या और ये इसके कितने प्रतिशत है, इससे निकाल दीजिए, इससे आप दो बार काट दीजिए, कितना जाएगा 160%, यानी कि 160% हमारे पास सही आंसर के रूप में आ जाएगा। जो भी ऑप्शन आपके पास है आप उसे चूज कर सकते हैं। अब चलते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की और देखते हैं कि अगला प्रश्न किस मेथड से बनता है। तो यहां पर थोड़ा जो हमारा टाइप है वो चेंज हो जाता है और नेक्स्ट टाइप के अकॉर्डिंग हम अपने जो क्वेश्चन है वो करने वाले हैं। इसी तरह से आपको परसेंटेज आप इजीली सीख जाओगे। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, यदि आबादी में वार्षिक कमी 10% है, आबादी में वार्षिक कमी कितनी है वो 10%। आगे क्या बोला है, तथा वर्तमान आबादी 21,870 है, कितनी है 21,870, और उसने बोला है कि 2 वर्ष पहले कितनी आबादी थी। देखो कि 10% वार्षिक दर के हिसाब से जो आबादी है वो घट रही है, ठीक है घट रही है, तो उसने 2 वर्ष पहले की आपसे पूछी है, अब की आबादी आपको दे रखी है। देखिए मैंने माना कि 2 वर्ष पहले आबादी थी वो एक्स थी, ध्यान से समझना, मैंने माना कि 2 वर्ष पहले आबादी एक्स थी, एक्स होता है, उसने कहा कि 10% की वार्षिक कमी हो रही है, पहले साल जब 10% की कमी होगी तो कितना हो जाएगा ये 90/100। यहां तक चीजें समझ में आ गई। दूसरी बार जैसे ही कमी होगी दूसरी बार फिर से 90% हो जाएगा 90/100, यानी कि 10% की कमी हो रही है, 2 साल बाद की जनसंख्या पूछिए
भाई ये मैंने घटा दिया, उसके बाद मेरे पास बचता है 21,870। कितना बच जाता है? 21,870। आप इसे काट लीजिए 10 to 10, 10 to 10, और इसे आप काट लीजिए 9 2 18, उसके बाद 3 बचता है 38, 9 4 36, 9 3 27, ये बच जाता है 0। उसके बाद एक बार 9 से और काट लीजिए आप, 9 2 18 और 9 7 63, और ये आपके पास 27 बच जाएगा, और 2 0 यहाँ से चली जाएगी। कितनी संख्या आ जाएगी आपके पास? 27,000। यानी कि 2 वर्ष पहले 27,000 जनसंख्या थी, और जब वो 10% वार्षिक दर से घटती घटती 2 साल बाद इतनी 21,870 रह गई थी। चलिए इसी टाइप का एक और मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ, क्वेश्चन नंबर 17। देखिए ध्यान से देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है कि यदि वार्षिक कमी की दर 5% है, यदि वार्षिक कमी की जो है वो आपको दी हुई है 5%। आगे क्या बोला है? वर्तमान में आबादी 40,000 है। अपन को वर्तमान की आबादी दे दी, तो ये मैं लिख दूंगा इसे 40,000, ठीक है। 5% की वार्षिक कमी हो रही है, कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। तो देखो ये मैं लिख दूंगा 5% की कमी, यानी कि 95/100। इसी तरह से दूसरे साल में 95/100। अब आगे जो आएगी वही मेरी क्या होगी? आबादी होगी। यहां पर देखिए 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल, ठीक है। पूरा आप इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 वर्ष बाद की आपसे आबादी पूछी है, कितना जाएगा आपके पास? 95 × 95 × 4, 36,100 आपके पास आंसर सही आ जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों हमने क्वेश्चन किए, 16 और 17 बिल्कुल सेम था। अब हम इसी टाइप का एक और क्वेश्चन करते हैं, ताकि आपकी जो जनसंख्या वाला कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो जनसंख्या वाला क्वेश्चन एक और देखिए, यदि आबादी में वार्षिक कमी 20% है, यदि आबादी में वार्षिक कमी 20% है और वर्तमान आबादी 5,12,000 है, तो 3 वर्ष पहले देखो उन्होंने कहा है कि 20% है और ये कमी है, और वर्तमान की आबादी आपको दे रखी है। देखिए मैंने कहा कि जो आपकी आबादी है वो x थी पहले, और उसमें 20% पहले वर्ष कमी हुई 80/100, उसके बाद फिर दूसरे वर्ष 20% की कमी हुई, फिर उसके बाद तीसरे वर्ष फिर से 20% की कमी हुई, और ये हमसे दे रखी है 5,12,000। कितनी दे रखी है? 5,12,000, ठीक है। यहाँ पर देखो 10 से 10, 10 से 10, उसके बाद देखिए ये पूरा हमारा कितना होता है? 5,000। ये 8 8 8 का क्यों कितना होता है? 512, और इसके पीछे 3 0 और लगा दीजिए तो ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन आप देख सकते हैं, ए है, बी है, कौन सा है। तो इस तरह से आपको समझ में आएगा 16, 17 और 18 क्वेश्चन, ठीक है। जो 19वां क्वेश्चन है वो आपके लिए, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना होगा। 19वां क्वेश्चन एक बार मैं आपको बोल देता हूँ कि कस्बे की आबादी 10,000 है। कितनी है कस्बे की आबादी? 10,000 है। प्रथम वर्ष 10% की वृद्धि होती है, और उसके बाद अगले वर्ष में 20% की कमी होती है, तीसरे वर्ष में 30% की दर से बढ़ती है। तो आपसे पूछा है कि तीसरे वर्ष की जो कुल जनसंख्या वो कितनी हो जाएगी? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। तो चलिए हम नेक्स्ट टाइप की ओर बढ़ते हैं। तो वो प्रतिशत का जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो लेकर आए हैं हम आपके, अभी आपको तरबूज खिलाने वाले हैं। किसकी बात करेंगे हम? तरबूज, ठीक है। तरबूज में 2 चीज़ें होती हैं, एक तो आपका तरबूज ही होता है, ठीक है। दूसरी चीज़ उसके अंदर बीज नहीं भाई, पानी होता है। बीज तरबूज तो मैं बीज तो इसी के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। तो एक तो होगा तरबूज और दूसरी होगी पानी, ठीक है। आपको कभी तरबूज दे देगा, कभी पानी पूछ लेगा, कभी पानी दे देगा, तरबूज पूछ लेगा। तो यही काम हमने आपको अब करना है, ठीक है। तो देखिए अब हम तरबूज वाले क्वेश्चन करने वाले हैं, तो हो जाइए तैयार। क्वेश्चन क्या है तरबूज वाला? कि 20 किलोग्राम ताजे तरबूज में, क्या बोला है आपसे? 20 किलोग्राम ताजे तरबूज में 96% पानी है। 20 किलोग्राम ताजे तरबूज में 96% पानी है। कुछ समय बाद 95% रह जाता है, पानी रह जाता है 95%। वर्तमान तरबूज का वर्तमान वजन ज्ञात करें। देखो उसने क्या बोला है कि तरबूज है 20 किलो और वो 2 चीजों में डिवाइड है। उसके अंदर 96 kg क्या है? तरबूज है। उसके अंदर 96 kg तरबूज है।
तो उसके अंदर 96 केजी उसके अंदर पानी है, ये उसके अंदर वाटर है और ये उसके अंदर तरबूज है 4%। उसने कहा कि कुछ देर बाद, भाई ये है आपका सूर्य और यहाँ से इस पर पड़ी थोड़ी लाइट, और लाइट पड़ने की वजह से इसका जो पानी है वो सूख गया। अब हम बताना है हमें कि कितना होगा हमारा जो तरबूज है वो कितना होगा। इसने हमें क्या क्या चीज़ गिवन दे रखी है कि वर्तमान में जो इसमें पानी है वो 95% रह जाता है। भाई अब 5% तरबूज होगा, ये हमारा पास पानी है और ये तरबूज है। उसने कहा है कि अब ये जो तरबूज है वो कितना रह गया, देखो एक चीज़ देखो भाई, यहाँ पर जो मेरे पास जो चीज़ उड़ी है यानी कि वाष्पित हुई है वो पानी तो हुआ है ना, पानी हुआ है ना, तो पानी इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि तरबूज तो पहले भी तरबूज की क्वांटिटी बराबर थी और तरबूज की क्वांटिटी अब भी बराबर है। मेरी कहने का मतलब आप समझ रहे हो कि 96% जब वाटर था तो उसमें 4% तरबूज था, भाई 1% पानी तो उसने उड़ा है ना, भाई 1% पानी उड़ा, तरबूज की मात्रा तो सेम है। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि 20 किलो तरबूज के अंदर, ध्यान से देखना यहाँ पर 20 किलो तरबूज के अंदर, 20 किलो दे रखा है भाई आपको, 20 किलो तरबूज के अंदर 4 किलो तरबूज है, ध्यान से समझना, बराबर तरबूज की मात्रा वही है। मैंने कहा कि अब x किलो तरबूज बच गया, ठीक है, लेकिन जो उसमें तरबूज की मात्रा है वो कितनी हो गई, अब 5%। समझ में आ रही है चीज़ें, ये देखो 20 किलोग्राम तरबूज था जब इसके अंदर जो प्योर हमारे पास मैटर था वो 4% था, लेकिन अब x प्रतिशत मैटर है और वो हमारे पास सेम चीज़ है तो ये बराबर हो गई। इसका मतलब देखिए यहाँ पर आप इसे देखिए, ये 20 है, ये आप इसे काट दीजिए, ये कितना से कटेगा 4 बार, x की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 16 केजी, कितनी आ जाएगी 16 केजी, यानी कि 16 किलो का तरबूज अब रह गया है, तो वी कैन से दैट कि तरबूज है वो कितना है 16 किलो का। थोड़ा सा क्वेश्चन टफ है, थोड़ा सा ये सीजीएल लेवल का क्वेश्चन है, एक बार उसके अंदर आया था आपका जो एनटीपीसी का एग्जाम होता है हुआ था, और एक बार ये 10+2 के अंदर आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम कि ताजे फलों में 68% पानी है, क्वेश्चन नंबर कुछ भी देख लीजिए, ताजे फलों के अंदर 68% पानी है। देखो भाई 68% उन्होंने वाटर दिया है तो 32% क्या होगा उसके अंदर, आप कह सकते हैं कि फ्रूट्स होंगे, प्योर फ्रूट्स है। यहां पर 68% पानी है उसके अंदर, आगे क्या बोला है, सूखे फलों में 20% पानी है। आगे क्या बोला है, जो सूखे फल है ना, यहां तक हमारे पास जो फल थे वो कैसे थे, गीले फल थे, अब बात हो रही है सूखे फलों की, सूखे फलों में 20% पानी है, 75 किलो ताज़े फलों में कितने सूखे फल बनाए जा सकते हैं। तो देखो यहाँ पर मैंने कहा कि 75 किलो आपके पास फल हैं, 75 किलो आपके पास फल हैं। अब उसने क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि 75 किलो ताज़े फलों में कितने सूखे फल बनाए जा सकते हैं। देखो ये 75 किलो जब तरबूज था तो इसके अंदर 32% हमारे पास क्या है, ये फ्रूट्स है, क्या है 75 किलो में 32% फ्रूट्स है जिनके अंदर वाटर बिल्कुल भी नहीं है। इसी तरह से जो आपकी बराबर होगी मात्रा वो किसके हो, मैंने कहा कि x किलो फल है और उनमें जो मात्रा है फ्रूट्स में, भाई उसने कहा कि 20% सूखे फलों में पानी है तो 80% हमारे पास क्या हो जाएगा, फ्रूट्स हो जाएगा। आप इसे काट लीजिए, 15 के 5 ये 5 कटेगा 15 5 ये 16 बार कटेगा और ये कटेगा 2 बार, तो ये कितना हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा 30, यानी कि 30 किलो फल है जो आपके बनाए जा सकते हैं। तो आई होप यार वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, यदि ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। इसी तरह से और भी वीडियो देखने के लिए वीडियो के नीचे रेड कलर का जो बटन दिख रहा है उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अपडेट हमारे वीडियो की सबसे पहले मिल सके। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद जय भारत।